तो आज जिस लॉ के बारे में हमें बात करनी है वो है ओम्स लॉ। एंड ओम्स लॉ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉज इन इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमें सर्किट्स को सॉल्व करना है, चाहे वो 10th लेवल के हो, चाहे वो 12th लेवल के हो, चाहे वो नीट JEE लेवल के हो, एटलीस्ट हमें दो लॉ आने ही चाहिए। एक तो है किरचॉफ्स लॉ, दूसरा है ओम्स लॉ। और आज हम बात करने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ एक्चुअली क्या देता है? ओम्स लॉ गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाया हमें, यहाँ ये मैंने कंडक्टर लिया, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई करी मैंने और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है आई। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो करंट का क्या हल होगा? अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस, यही वोल्टेज हम डिक्रीज करते हैं तो करंट का क्या हल होगा? तो ओम्स लॉ सिंपली कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, यहाँ दिखाया हमने, द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। यानि भाई जितनी potential difference ज़्यादा तुम apply करोगे conductor के across, उतनी ही ज़्यादा वहाँ current flow हो जाएगी। और जितनी कम potential difference आप apply करोगे conductor के across, उतनी ही कम current flow हो जाएगी वहाँ से। तो ज़्यादा potential difference apply करो, ज़्यादा current flow हो जाएगी, और कम potential difference apply करो, कम current flow हो जाएगी। लेकिन कुछ पैरामीटर्स, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहनी चाहिए यहाँ पे, तभी ये लॉ वैलिड है, तभी ये लीनियर रिलेशनशिप जाएगी। उसमें क्या आता है? कंडीशंस कौन सी आपको कांस्टेंट करनी है या फिजिकल कंडीशंस? उसमें आता है टेम्परेचर, उसमें आता है प्रेशर, उसमें आता है मैकेनिकल स्ट्रेन एटसेट्रा। यानी ये कांस्टेंट रहनी चाहिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जो आप ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रिलेशन निकालोगे, जब वो चीजें कांस्टेंट रहेगी तभी ये पॉसिबल है, तभी V is directly proportional to I पॉसिबल है। तो अब हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, हम मानते हैं V, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर और करंट फ्लो हो रही है I। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is directly proportional to I। जब हम अब क्या काम करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे V is equal to R I, where R is constant of proportionality। ये जो R है, this is constant of proportionality, constant of proportionality। R is constant of proportionality। और we can say V by I is equal to R। This constant of proportionality R is known as resistance of the conductor। इसको हम कहते हैं resistance of the conductor। ये जो R है, यहाँ आप रिलेशन में देख रहे हो R is equal to V by I। Actually, R does not depend on V or I। R ना तो V पे डिपेंड करता है, ना ही I पे डिपेंड करता है, but it depends upon nature of material, यानी किस टाइप का मटेरियल आप लेते हो। अगर आप मटेरियल वेरी करते हो, फॉर एग्जाम्पल कॉपर लोगे, फिर सिल्वर लोगे, फिर आयरन लोगे, तो उनकी रेजिस्टेंस वेरी होगी। सेकेंड, इट्स डायमेंशन, यानी अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हो या आप क्या काम करते हो, एरिया क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते हो, उसके डायमेंशन अगर आप वेरी करोगे तो रेजिस्टेंस वेरी होती है। थर्ड इज टेम्परेचर, और अगर आप टेम्परेचर भी वेरी करते हो, इंक्रीज डिक्रीज करते हो, ऑब्वियसली इसकी रेजिस्टेंस भी वेरी होगी। तो आर डज नॉट डिपेंड ऑन वी आर आई, बट डिपेंड्स ऑन व्हाट, बट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल। शाबाश। नेक्स्ट इज इट्स डायमेंशंस एंड थर्ड इज टेम्परेचर। तो अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ वी एंड आई, यानी वी आई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे हम। तो ऑब्वियसली वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जैसे ग्राफ आएगा वी और आई के दरमियान, जो ग्राफ आएगा, यहाँ हमने वी को प्लॉट किया है अलॉन्ग वाई एक्सिस, आई को प्लॉट किया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका एक कॉन्स्टेंट स्लोप है जिसको हम कहते हैं आर, यानी वी वी डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू आर, एंड आर इज स्लोप ऑफ दिस लाइन and is known as resistance। इसके बाद क्या काम करेंगे हम, अगर हमारे पास दो तीन ग्राफ्स दिए जाएं एक कंडक्टर के डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो हमें बताया जाएगा कि आप बताओ कि किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कम है। तो हमें वहाँ करना क्या है, पहले हम देखेंगे, हम यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे ये वी और आई, यानी वी हमने यहाँ लिया अलॉन्ग द वाई एक्सिस और आई को लिया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लाइक दिस। तो यहाँ आपको दो लाइन दी जाती है, ओ बी एट टेम्परेचर टी टू एंड ओ ए एट टेम्परेचर टी वन, ये है। और इस ग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि आप बताओ कि किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आप सिंपली क्या काम करोगे, देखो वी बाई आई
दैट इज इक्वल टू आर, जिसका स्लोप यहाँ, जिस लाइन का स्लोप यहाँ ज्यादा होगा उस लाइन उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ टेम्परेचर टी टू पे स्लोप ज्यादा है, ओबी का स्लोप यहाँ पे ओबी का स्लोप ज्यादा है, ये देखिए ओबी का स्लोप ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इस टेम्परेचर पे टी टू पे जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, और ओए का स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस कम है. लेकिन ये तब केस है जब v अलॉन्ग y एक्सिस है, i अलॉन्ग x एक्सिस है. अगर आपको अब दिया जाए IV ग्राफ, IV ग्राफ मतलब i को अलॉन्ग y एक्सिस दिया जाए और v को अलॉन्ग x एक्सिस दिया जाए, और यहाँ आपको दो तीन ग्राफ्स दिए जाए और आपको बोला जाए कि बताओ किस ग्राफ की रेजिस्टेंस है, किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा है. यहाँ चूंकि अब हमारे पास है आई बाई वी, तो इन लाइन्स का स्लोप जो है वो आएगा I by V is equal to 1 by R, यानी इसका रेसिप्रोकल आएगा वो. नेक्स्ट, यहां उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी जहां पे स्लोप कम होगी, यानी इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल. अब यहां ध्यान दो, यहां टेम्परेचर T2 पे ये स्लोप कम है, तो स्लोप कम है मतलब यहां इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, टेम्परेचर T2 पे रेजिस्टेंस ज्यादा है. तो IV ग्राफ में जिस लाइन का स्लोप कम होगा उसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, उसी लाइन की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, उसी ग्राफ की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. जहां स्लोप ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी. लेकिन वीआई ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसकी रेजिस्टेंस कम, बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल में रहेंगे. तो यहाँ टेम्परेचर टी टू पे ओबी का स्लोप कम था, रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ ओबी का स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस. तो अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी एक्सपेरिमेंटली हम कैसे वेरीफाई करेंगे ओम्स लॉ को. तो इसके लिए हमें कुछ अपैरेटस चाहिए जिनको मैं यहाँ दिया हूँ, क्या क्या चाहिए हमें इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए. सबसे पहला आता है एमीटर, और एमीटर से हम क्या काम करते हैं, इससे हम करंट मेजर करते हैं. नेक्स्ट आता है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं. तीसरा आता है रिहोस्टेट, रिहोस्टेट से हम क्या काम करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं. और इसके बाद आता है बैटरी, बैटरी प्रोवाइड करती है नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो वोल्टेज आपको चाहिए वो प्रोवाइड करती है बैटरी. इसके बाद आता है कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी हम एक कंडक्टर लेते हैं जिसकी रेजिस्टेंस आर है. और इसके बाद आती है प्लग की, जिसको हम जिससे हम फिर सर्किट को कंप्लीट करते हैं. तो इसका जो सेटअप रहता है वो कैसे रहता है आप ध्यान दीजिए. सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे बैटरी, फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लेता हूं बैटरी, ये हमने बैटरी ली, ये कनेक्टिंग वायर्स है. नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, एक की लेंगे हम यहाँ पे, ये की है. इसके बाद ये कनेक्टिंग वायर यहां चली जाएगी. याद रखिए हम जब भी एमीटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. तो यहां पे मैं एमीटर को कनेक्ट करूंगा, ये एमीटर. इसके बाद यहां मैं आ जाता हूं कनेक्टिंग वायर, और यहां मैं लगाता हूं रेजिस्टर ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टेंस आर सीरीज में ही चला, और इसी के अक्रॉस पैरेलल में मैं कनेक्ट करता हूं वोल्टमीटर. वोल्टमीटर को जब भी कनेक्ट करोगे तो पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं सर्किट में. तो यहां वोल्टमीटर लेंगे हम, ये है वोल्टमीटर हमारा. इसके बाद यहां जाएंगे हम, यहां हम रिहोस्टेट लगा देंगे, ये मान लीजिए आप ऐसे, ये है रिहोस्टेट. तो इस तरह हम हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो अपैरेटस है, इस तरह हम इनको कंबाइन करते हैं. तो यहां हमने बैटरी ले ली, ये पॉजिटिव है बैटरी का, ये नेगेटिव है, ये की है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस आर ली थी हमने, और साथ में हमने ये सर्किट पूरा कनेक्ट किया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मैं की को क्लोज कर देता हूँ. तो मैंने यहाँ की को क्लोज कर दिया, ये डॉट दिखा के मैं दिखा रहा हूँ कि हमने की को क्लोज किया. जब हमने की को क्लोज किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, यहाँ से करंट फ्लो होगी. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो आई है, तो यहाँ से अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी. तो एमीटर मुझे देगा वैल्यू ऑफ करंट, और वोल्टमीटर देगा मुझे वैल्यू ऑफ वोल्टेज. अब हम क्या काम कर रहे हैं, फिलहाल रिहोस्टेट की रेजिस्टेंस को हम मिनिमम पे रख रहे हैं, और यहाँ मुझे करंट की वैल्यू मिल रही है, और वहां से मुझे वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल मैं मानू, जब मैंने मिनिमम पे रखा है रिहोस्टेट की रेजिस्टेंस को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वी
और आई पी के वैल्यूज में फॉर एग्जाम्पल प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मुझे जो वोल्टमीटर जो वैल्यू दे रहा है मुझे वोल्टेज की, दैट इज 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। और जो यहाँ करंट की वैल्यू मुझे मिल रही है फॉर एग्जाम्पल दैट इज 6 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर आप क्या काम करोगे, आप रिहोस्टेट के पॉइंट को थोड़ा आगे जाओगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे यहाँ पे, तो ये जो वोल्टेज है ये कम हो जाएगी। मान लीजिए अब ये मिल रहा है आपको 6 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ जो करंट मिल रही है आपको वो 3 एम्पियर मिल रही है। नेक्स्ट आप क्या काम कर रहे हो, आप फिर से इसको इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे ले जा रहे हो पॉइंटर को, तो आपको क्या मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज की जो वैल्यू है दैट इज 3 वोल्ट, वो जो आपको करंट मिल रही है दैट इज 1.5 एम्पियर। तो इसके बाद आप जो वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिले इनके दरमियान आप ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ ऐसे। यहां से V लेंगे और यहां से I, ठीक। अब क्या करोगे काम, V की वैल्यू पहले हमने 3 वोल्ट ले ली, यहां मान लीजिए आप ये है 3, ये है 6, ये है 9, और यहां पे थोड़ा ऊपर जाता हूं मैं, यहां पे है 12, ठीक। इसके बाद यहां पे आ जाएंगे, ये मान लीजिए 1.5 है, यह है 3, 4.5, यह है 6। तो अब क्या काम हो रहा है, जब वो वोल्टेज 3 है तो करंट है 1.5, यानी कुछ ऐसे ये वाला पॉइंट आएगा। नेक्स्ट जब यहाँ पे 6 वोल्ट का है, यहाँ पे 3 एम्पियर है, तो कुछ ऐसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट आ गया। इसके बाद इसी तरह जब आपका 12 वोल्ट है तो यहाँ करंट है 6, मान लीजिए आप ये रफली बना रहा हूँ मैं। तो अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिए, यानी इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं, इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे ही, तो ये आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। यही हमने बोला था वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये था ओमला, आप एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे। इसके बाद इसका और एक पार्ट आना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।